बहुत कम पेरेंट्स हैं जो अपना बच्चे को आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कशन के बाद कुछ स्टूडेंट पेंटिंग करना छोड़ देंगे और कुछ स्टूडेंट पेंटिंग में आ जाएंगे। दो दिन तीन दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था, टोल्ड मी कि सर प्लीज़ गिव मी सजेशन और एडवाइस कि मैं इस आर्ट फील्ड में आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, ड्राइंग करना। मेरे पास 30 सेकेंड के लिए कोई जवाब नहीं था, बिकॉज उस 30 सेकेंड में मैं बहुत कुछ सोच रहा था। वो सोच एक दिन का नहीं है, वो बहुत सालों का सोच है, क्योंकि मैंने बहुत आर्टिस्ट को देखा है पेंटिंग छोड़ना और बहुत स्टूडेंट को देखा है पेंटिंग में आना। राइट, देखिए दो तीन तरह के हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं पहला जो जवाब होगा वो जवाब है कि हाँ, आप आर्टिस्ट बन सकते हो या आपको इस आर्ट फील्ड में आना चाहना है, तो आपको दो तीन चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से सोचना है। फर्स्ट कि मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ या पेंटिंग कर रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर मनी। अगर आपको आप ये सोच रहे हो कि मैं पेंटिंग करके, स्केचिंग करके बहुत पैसा कमा लूँगा और वी अर्न लॉट्स ऑफ मनी, सो ये आपका गलत फहमी है। हाँ, कुछ पेंटर है, कुछ आर्टिस्ट है जिसका बहुत ही कॉस्टली पेंटिंग बिकता है। राइट, मान लीजिए कि कोई भी एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को आप फ़ोन करिए, जो भी फेमस है, उनको फ़ोन करिए, बोलिए कि सर आपका पेंटिंग साल में कितना बिकता है, तो बोलेंगे कि 6 महीना में, 3 महीना में, लास्ट 2 साल से तो बिका नहीं रहे, उससे भी पहले नहीं हो रहा था, ऐसा होता है। राइट, सो ये वो आर्टिस्ट आपको ये जवाब देंगे कि हाँ, मुझे 5 लाख 6 लाख का पेंटिंग बिका है। आप ये देखिए कि आपको साल में 5 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए और 10 लाख चाहिए कि अबव 10 लाख चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप ईयरली इस पैसे से आपको घर चल जाएगा, आप चला लोगे और वॉट एवर वी थिंक अबाउट, सो यू कैन डू सब कुछ छोड़ के, क्योंकि आप अगर पूरा साल मेहनत करोगे तो आपको 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख साल में आ जाएगा कहीं ना कहीं से। राइट, वो भी एक तरीका है। बट आप सोच रहे हो कि मैं इस लाइन को कंटिन्यू करके पूरा ज़िंदगी में चलाऊंगा, राइट, तो आपका ये गलत फहमी, बिकॉज आपका डिमांड बढ़ेगा। राइट, आपका खर्चा ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, एक स्टूडेंट को क्या डिसाइड करना है क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के बाद, अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते हैं या शौक से। अगर आपको बहुत शौक है कि मुझे पेंटिंग ही करना है पूरा ज़िंदगी, आप कोई आर्ट कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आर्ट कॉलेज का जो जाने का जो भी टारगेट होता है वो मैं आपको बता दूंगा। आप एवरीडे 1 घंटा ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए, यूट्यूब देखिए, वॉट एवर कोर्स खरीद कर देखिए, यूट्यूब भी देखिए, मेरा कोर्स देखिए, वॉट एवर आप कुछ भी कर सकते हैं। वो 1 घंटा अगर आप जस्ट 6 मंथ अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपका एक हॉबी टारगेट हो गया कि आपने अचीव कर लिया कि उस स्टाइल को, जैसे गिटार सीखना क्यों होता, क्योंकि गिटार बजाना है। राइट, 75% पीपल थिंक अबाउट कि मुझे लर्निंग चाहिए, मुझे इनकम नहीं चाहिए। तो सेम लाइक दैट आपको ये सोचना है कि मुझे लर्निंग चाहिए, मुझे पेंटिंग सेल नहीं करना है। राइट, वो 6 मंथ के बाद आप क्या करेंगे, पुश करेंगे अपने आप को कि कैसे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम दिस आर्ट। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि इस कंटेम्पोररी लेवल में आपका आर्ट जो है, आर्ट वर्क नहीं है, दिस इज द परफॉर्मिंग आर्ट। 2005-2006 के बाद धीरे धीरे परफॉर्मिंग आर्ट इस इंडस्ट्री में आ चुका है, और इंडिया ऑब्वियसली यूएस और यूरोप जैसा तो है नहीं। राइट, आप परफॉर्मिंग आर्ट थोड़ा बहुत करके आप पैसा नहीं कमा सकते, आपका ब्रांड के ऊपर आप पैसा कमा सकते हो। आपका पेंटिंग कोई नहीं लेगा, बट आपका जो फॉलोअर्स है, आपका जो डेटा है उसको यूज़ करेगा वो पैसे से। ठीक है, ये होता है परफॉर्मिंग आर्ट। मुझे जॉब नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है,
तो आपको दो तीन ऑप्शन हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट आप ट्यूशन कर सकते हो, ट्यूशन में आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो आजकल, राइट। सेकेंड थिंग, आप स्कूल जॉब कर सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया एंड गवर्नमेंट जॉब हो गई, तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है। सेकेंडली, अगर आप आर्ट कॉलेज में पास आउट हो गए, कोई भी फाइन आर्ट्स हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, अप्लाई आर्ट होता है एक्चुअली, आजकल ग्राफिक डिज़ाइन हो चुका है, स्कल्पचर हो गया, वॉट एवर, आर्ट कॉलेज के बाद आपको आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा ओनली फॉर स्कूल जॉब के लिए, ओनली बेनिफिट। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई छोटा मोटा स्कूल में जॉब कर लूँ, तो इट्स गुड, बिकॉज आपको ये गारंटी नहीं है कि आपको उस लेवल का जॉब मिलेगा। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा, जिसका पेंटिंग 1 लाख में आज बिका है, वो 6 महीने तक पेंटिंग नहीं बिका है, मैंने खुद देखा, तो वो बहुत टफ है। तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि बच्चे अनस्टेबल प्लेटफॉर्म में रहे जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगला टॉपिक पे, मे बी डेमोस्ट्रेशन, मे बी ज्ञान, व्हाटएवर।